हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू द चैनल पैटवेस्टर। तो आज बात करेंगे यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड की, यानी कि यूपीएल की। ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है एंड रिसेंटली इट हैज़ रीच इट्स ऑल लाइफ टाइम हाई ऑन दिस फ्राइडे। तो इसकी थोड़े एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये शेयर पोर्टफोलियो शेयर भी बन सकता है या नहीं। सो यूपीएल मेन्सली डी इज अ प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल एंड अदर इंडस्ट्री केमिकल्स। सो ये कंपनी केमिकल्स के अंडर आती है, जिसमें एग्रीकल्चर केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, मेजर केमिकल्स आर इंक्लूडेड। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ दी स्टॉक जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। जन सक्रोथ 138+ नेशन एंड इट्स दी फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी एंड फोर्थ लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। यूपीएल हैज़ मार्केट एक्सेस ऑफ 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट एंड इट्स अ ग्लोबल प्रोवाइडर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मतलब नंबर्स की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटल अराउंड 57,000 करोड़ का है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस इज अराउंड 743 रुपीज़ एंड हाईएस्ट इन्होंने जो बना है लास्ट वीक अराउंड 764 का है। स्टॉक पी इज अराउंड 18.8, जो इंडस्ट्री पी से कम है। सो दिस इज़ अ स्टिल अंडर वैल्यू स्टॉक, यू कैन से। कंपनी का ROCE एंड ROE और लाइक नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड ऑल्सो, विच आर लाइक वेरी रिटर्न्स आर वेरी ओके, यू कैन से। ऑल्सो दी वन ऑफ दी फैक्टर जो कंपनी का जो वैल्यूएशन कम करता है, दैट इज़ द डेप टू इक्विटी रेशियो, जो अराउंड 1.16 है। तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट आप देख सकते हैं। कंपनी पे डेप्ट है अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। सो दिस इज दी वन ऑफ दी लाइक ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी। इफ यू सी द रिजर्व्स आर वेरी गुड, 20,000 के आसपास के रिजर्व्स है। कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है। काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है एंड काफ़ी सारे मूवमेंट्स है इसमें एंड अप ट्रेंड में है जब से कंपनी फॉर्म हुई है। सो दिस इज अ गुड साइन दैट कंपनी इज इन अप ट्रेंड एंड इट कैन बी एन अप ट्रेंड इन फ्यूचर ऑल्सो। कंपनी के अनदर कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल, रैलिस इंडिया, भारत रसायन। इनमें आप पी वैल्यूएशन निकालेंगे तो सबसे कम पी वैल्यूएशन यूपीएल का ही है। यहाँ पे मेघमानी ऑर्गेनिक्स का पी वैल्यूएशन कम दिखाई दे रहा है, बट उनका मार्केट कैप भी कम है। सो अकॉर्डिंग टू द पी वैल्यूएशन कंपनी इज एट अ वेरी गुड पोजिशन, यू कैन से। अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं सेल्स नंबर इन क्वार्टर नंबर। सेल्स नंबर आर लाइक इन अपवर्ड ट्रेंड एंड एक्सपेंसेस भी ऑल्सो अपवर्ड ट्रेंड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इन गुड अपवर्ड ट्रेंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हैज गॉन डाउन लिटिल, जो दिसंबर 20 के क्वार्टर में अराउंड 24% है, वो भी 21% हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट के मामले में बात करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ऑल्सो EPS इज ऑन ग्रोइंग स्टेज ऑन क्वार्टरली बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाए। सेल्स नंबर्स आर सी, सेल्स नंबर आर इन जो ग्रोइंग मैनर, 38,694 के सेल्स अचीव किए हैं कंपनी ने मार्च 21 के कैलेंडर ईयर में। एक्सपेंसेज ऑल्सो इंक्रीज बाय 30,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज इन ऑल्सो इन अपवर्ड मैनर, यू कैन सी 2,348 से 294, 3,000, 6,700 एंड 8,342। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट इज ऑल्सो गॉन टू लाइक 22%, विच इज अगेन अ गुड साइन। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 80%। दैट इज द रीज़न ये स्टॉक इतना भागा है। ऑल्सो EPS भी काफ़ी ग्रो हुआ है, 23 से 37 रुपीज़ हुआ है। सो दिस इज अ गुड साइन दैट ईयरली ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आर वेरी गुड, इसकी वजह से शेयर इतना भागा है। जैसे कि रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आर ऑल्सो इन ग्रोइंग मैनर एंड बोरोइंग्स भी आप देखेंगे थोड़े बहुत कम होते हुए दिखे हैं। तो अगेन इट्स अ गुड नंबर्स। कंपनी का कैश फ्लो इज ऑन लाइक थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली। मार्च में काफ़ी अच्छा था, बट मार्च 2020 में काफ़ी अच्छा था, मार्च 21 में थोड़ा सा कम हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर प्रमोटर होल्डिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। FIH ने भी अपना स्टेक थोड़ा कम किया है एंड DIH ने ऑल्सो कम अपना स्टेक कम किया है एंड गवर्नमेंट ने ऑल्सो अपना स्टेक कम किया है। सो आई टेल यू अबाउट माई ओपिनियन अबाउट दिस UPL स्टॉक। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपके पास ये स्टॉक है ऑलरेडी, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हाई लेवल पे गया है तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड स्टॉक में भी थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप थोड़ी अमाउंट में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है एंड केमिकल सेक्टर ने काफ़ी एक दो साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। तो आप अकॉर्डिंग टू डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।